नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एयरटेल एक्टिवेशन कमीशन के बारे में। तो गाइस, यदि आप भी एक एयरटेल के रिटेलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमें Facebook पेज पर फॉलो नहीं किया है गाइस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर दीजिए और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी वहां से पूरी मदद जरूर करेंगे। और गाइस, हम आपको बताएंगे छोटी से लेकर बड़ी FRC पर, यानी कि सिम चालू करने पर यदि आप FRC सेलेक्ट कोई सी भी करते हो तो आपको हर FRC पर एयरटेल कंपनी की तरफ से कितना कितना कमीशन दिया गया है। तो गाइस चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाते हैं आपको छोटी से लेकर बड़ी हर FRC पर आपको एयरटेल कंपनी की तरफ से कितना कितना कमीशन या OTF दिया गया है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली सबसे छोटी FRC के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो है आप यदि किसी भी कस्टमर का सिम चालू कर रहे हैं एयरटेल का, यदि आप गाइस उस पर 197 रुपये की FRC सेलेक्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर जब सिम चालू हो जाएगी तो यहाँ पर जो है आपको 10 रुपये का कमीशन देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आप एक एयरटेल के रिटेलर हैं तो आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो है 197 रुपये का FRC नहीं करना है। यदि कस्टमर के पास कीपैड मोबाइल है, कोई छोटा मोबाइल है, कस्टमर खाली कॉलिंग के लेना चाहते हैं तो आप यहां पर जो है FRC ना देखें, यहां पर आपको 149 का RCS देना है, जिसमें तो गाइस आप जो है कस्टमर से 200 रुपये ही लेंगे, बट यहां पर जो आप 149 रुपये का उनको रिचार्ज कर दोगे तो यहां पर जो है उनकी एक सेम इस 197 में और 149 रुपये में कस्टमर के लिए सेम बेनिफिट है, बट यहां पर दोस्तों आपको जो है 50 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। तो गाइस ये हो गया पहला FRC कमीशन और दूसरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर RCS कमीशन। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको 197 की जगह पर आपको 149 का RCS रिचार्ज कर देना है कस्टमर की सिम चालू करते समय। इसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला जो रिचार्ज अगली जो FRC है, यदि आप किसी भी कस्टमर का सिम यानी एयरटेल का किसी भी कस्टमर के लिए आप एयरटेल का सिम चालू करते हैं और सिम चालू करते समय गाइस यदि आप जो है 297 रुपये का वहाँ पर FRC सेलेक्ट कर देते हैं तो यार गाइस जब आप 59059 कस्टमर का कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर जो आपको 80 रुपये का OTF देखने को मिलेगा। यदि गाइस यहाँ पर जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें जो है 75 रुपये का कमीशन मिला है वहाँ पर कंपनी की तरफ से, तो हमको 80 रुपये का OTF दिया पर उसके जो नीचे की तरफ जो मेन जो टोटल जो कमीशन दिखाया जाता है वहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों को 76 दिखाया, कुछ लोगों को 75 दिखाया और यहाँ तक भी कुछ लोगों का कहना था कि हमको 74 रुपये भी कमीशन मिला था 297 रुपये की FRC पर। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कुछ टैक्स वैक्स लग जाता है, जो आपका जो कमीशन है थोड़ा सा 4-5-6 रुपये यहाँ पर काट लिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर जो 297 रुपये का यदि आप किसी भी कस्टमर के लिए सिम चालू करते हो FRC लगाकर यहाँ पर आपको जो 80 रुपये का ही कंपनी की तरफ से आपको OTF दिया जाता है। तो गाइस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो FRC निकल के आती है वो है 497 रुपये की। यदि आप किसी भी कस्टमर के लिए सिम चालू करते हैं तो गाइस यहाँ पर जो आप FRC सेलेक्ट करते हैं 497 रुपये की, तो गाइस यहाँ पर जो है आपको भी इसी FRC में आपको OTF 80 रुपये का देखने को मिलेगा। तो गाइस ये हो गई आपकी जो है 497 वाली FRC कमीशन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ ऐसी भी FRC हैं जिनमें आपको ना के बराबर कमीशन देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद आती है 647 रुपये की FRC। यदि आप किसी भी कस्टमर का सिम चालू कर रहे हो और चालू करते समय गाइस यहाँ पर 647 रुपये का कमीशन 647 रुपये की FRC सेलेक्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर भी आपको 80 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कंपनी क्या करती है, जब मान लीजिए आपका 647 रुपये का के हिसाब से आपको जो है 3% जो भी रिचार्ज कमीशन मिलता है उसको भी इंक्लूड करके आपको दिखा देती है। बट दोस्तों सच्चाई ये है कि आपको हर FRC पर इन जो भी बड़ी FRC है उन पर 80 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। अभी तक दोस्तों कुछ ऐसे खास बदलाव नहीं किए गए हैं यदि आप जो है रिटेलर हैं एयरटेल के, तो यहाँ पर दोस्तों पहले के मुकाबले जो आपका कमीशन थोड़ा सा और डाउन कर दिया है, 74-75-76 रुपये के समथिंग आपको कमीशन देखने को मिलेगा अपने लापो सिम कार्ड में जब आपका सिम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये वाली FRC जो मैंने आपको बताई थी 197 वाली, तो गाइस आपको जो है किसी भी कस्टमर के लिए यदि आप सबसे छोटी FRC सेलेक्ट करते हो तो आपको जो है 197 वाली FRC सेलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ पर आप जो है 149 का RC
सीएस आप सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आपको कमीशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पर जो आपको सीधे सीधे ₹50 का बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।